दोस्तों, तो मैंने आज जो मूवी देखी, जो सुबह सुबह मैंने आज जो फर्स्ट शो देखी है, उस मूवी का नाम है गंगू आय कैथवाड़ी, जिसमें आप लोगों को पता होगा, जिसमें स्टारर जो लीड कर रहे हैं इस फिल्म को, उसमें है हमारी आलिया भट्ट मैम, विजय राज, और जो बीच में मैं कहूँगा कॉमियो रोल पे हैं अजय देवगन सर और इमरान हाशमी की थोड़ी सी ट्रेविया है उसमें। तो उस फिल्म के बारे में मुझे क्या लगा, वो जर्नी आप लोगों को सबको पता है इसकी जो प्लॉट है उसके बारे में। तो इस प्लॉट में जो फिल्म को जैसे पिक्चराइज किया गया, तो क्या उसमें मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, और आप लोगों को क्या इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो इस फ्री वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे और इसी तरह की मूवीज़ की रिव्यू आपको पसंद होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और जो साथ में बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब डायरेक्ट चलते हैं मूवी की और बात करते हैं कास्ट में। तो कास्ट की बात करें, सबसे पहले आलिया भट्ट है स्टारर में जो लीड कर रही है, उसके बाद विजय राज जी, अजय देवगन, और उसके साथ में कॉमियो में और भी हैं जो ट्रिविया खेला गया इमरान हाशमी के साथ में। इसके साथ में कई सारे जो एक्टर्स वो कर रहे हैं। अगर बात करें इनकी परफॉर्मेंस में, तो आलिया भट्ट जैसे मैंने शुरू में अभी कुछ समय पहले बोला, वो अर्ली एज पे काफ़ी अच्छी लगती है, मगर बाद में मुझे उनचनेस नहीं नजर आती। उसके बाद जो आई कैचिंग जो इस मूवी में लगती है, वो लगती है मुझे विजय राज सर। उन्होंने क्या एक्टिंग की है यार, मतलब ना नेल इट। पूरी फिल्म को जब जब भी वो स्क्रीन शेयर करती हुई नज़र आती हैं, जब जब भी वो स्क्रीन पे आती हैं, वो पूरी स्क्रीन को खा जाती हैं। काफ़ी अच्छी उनकी एक्टिंग लगती है। उसके बाद जैसे ही अजय देवगन सर की जब एंट्री होती है, तो एनर्जी लेवल है ना वो हाई हो जाती है। उन्हीं की वजह से थोड़ा सा ऑडियंस में चार्ज हो जाते हैं और ना थोड़ा सा ग्रिप करने में लगती है मूवी हो जाती है। उसके बाद बात करें हम और इधर के अदर जो चल रही है और प्लॉट की, तो आप लोगों को पता होगा ये एक जो प्लॉट है सभी से किसी लोगों से छुपी नहीं हुई है। ये प्लॉट है गंगूबाई की, जो अर्ली एज में कैसे प्रोस्टिट्यूट के नेटवर्क में फंस जाती हैं, और या मतलब किसी कारण से चली जाती हैं, फैमिली से कैसे दूर होती हैं, और वो मतलब कि उस प्रोस्टिट्यूट नेटवर्क में कैसे जाती हैं, इस जर्नी को स्टार्टिंग से लेके और अपने पोर्ट्रेट को कैसे फेयर करते हुए वो क्वीन ऑफ माफिया बनती हैं मुंबई की, उसके बारे में टोटल जर्नी को बताया गया है, जिसे संजय लीला भंसाली सर ने हमारे पास में प्रेजेंट किया है कि आप लोग देखें और इस जर्नी को पूरा इंजॉय करें। तो इस मूवी की जो प्लॉट है इसी पर टोटली बेस्ड है बायोपिक के रूप में। तो अगर आप इस मूवी को इस बेस्ट पे देखने जाते हैं, तो मुझे ना कहीं लगती है ना वो आपको जो आलिया भट्ट की मैंने शुरू में बोला जो परफॉर्मेंस है वो खलेगी आपको। बात करें तो मुझे इसमें क्या अच्छी लगी और क्या अच्छी नहीं लगी, तो जैसे इस मूवी से मुझे क्या पसंद नहीं आई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्क्रीन प्ले थोड़ी मुझे कमजोर लगती है, मुझे कहीं कहीं ना फिल्म ड्रैग करती हुई नजर आती है। जैसे मैंने बोला आलिया भट्ट की मैम की, वो मुझे एक्टिंग मैच्योरनेस नहीं नजर आई, जो मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि वो जो अर्ली एज में उन पर वो अच्छी नजर आती है, मगर जब बाद में जब मैच्योरनेस की जब स्टोरी डिमांड करती है, तब वो मुझे अच्छी नजर नहीं आती हैं। और जो फेयर को मतलब कि जो इनके जो पोर्ट्रे को जस्टिफाई करते हुए लास्ट में क्लाइमेक्स फिल्म जाती है, वो मुझे कहीं ना कहीं लगती है, मतलब कि ना शायद उसे किसी और वैसे दिखाया जाता तो वो काफी अच्छी लगती फिल्म। उसके बाद बात करूं मैं इसमें जो अच्छी लगी मुझे, वो है सॉन्ग्स, बीजीएम, और जो इस मूवी में विजुअलाइज किया गया है जितने भी सेट्स हैं काफी अच्छे हैं, जो एज ए एक्सपेक्ट करते हैं हम संजय लीला भंसाली सर से, वो उसमें नजर आती हुई हैं। फिर बात करें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, तो वही है। बाकी बात करूं इस मूवी की, अगर मैं स्टार देने की, तो इस मूवी को मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। फर्स्ट तो कार्टून में जो एक नंबर वो है आलिया भट्ट के मैम के, क्योंकि वो मुझे मैच्योरनेस नज़र नहीं आई। उसके बाद सेकंड स्क्रीन प्ले के वगैरह में। बाकी आप लोग इस मूवी को देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो मेरे ओपिनियन से अगर मैं बात करूं, तो ये डिसेंट मूवी है, ओके ओके मूवी है। आप लोगों की अगर इच्छा होगी, अगर आप आलिया मैम के फैन होंगे, तो आप लोग जाके डिसेंट जाके मूवी को देख सकते हैं। वगैरह मैं अगर चाहूँ, अगर फिल्म को आप लोग इस टाइप की मूवीज़ को पसंद नहीं करते, तो आप लोग को फिल्म बोरियत फील कराएगी, आप लोग बिल्कुल भी जाके इस मूवी को नहीं देखिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग बने रहिएगा इसी तरह के मेरे चैनल पे किसी रिव्यू और किसी मूवी के अपडेट्स के लिए। बाय बाय दोस्तों, मैं इसी साथ आपसे अलविदा करना चाहूंगा। धन्यवाद, बाय।